आने वाले गणेश एवं नव दुर्गा उत्सव में अधिक से अधिक मिट्टी की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का उपयोग हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय उमाशा नगर में इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा बनाने की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारती दीक्षित एवं दीप्ति होलकर द्वारा किया गया। जल एवं पर्यावरण को प्लास्टर ऑफ पेरिस के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय गुमाश्ता नगर में इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महाविद्यालय के बीकॉम फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के छात्र छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर परितोष अवस्थी सहित सभी प्रोफेसर एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। रूप से गणेश उत्सव का प्रोग्राम जो आयोजन होता है वो हिंदुस्तान भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो एक तौर तो हमारी ये धार्मिक आस्था का प्रतीक रहता है और दूसरी ओर निश्चित रूप से भारतीय जो नैतिक मूल्य और जो पर्यावरण की जो रक्षा और उसको सुदृढ़ व्यवस्था के हिसाब से ये इस आयोजन का हमने आयोजन किया है, जिसमें निश्चित रूप से एक मैसेज भी जाता है एक कॉलेज की तरफ से कि जो स्टूडेंट हैं वो किस प्रकार से धार्मिक उत्सव में सम्मिलित भी हों। संचालन प्रोफेसर विभोर एरन ने किया एवं आभार प्लेसमेंट सेल के डॉक्टर राकेश उपाध्याय ने माना। प्राचार्य डॉक्टर अवस्थी एवं प्रोफेसर धीरज हासीजा ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा को महाविद्यालय के मंदिर में स्थान देकर गणेशोत्सव में पूजा विधान के साथ रखकर अंत में विसर्जन किया जाएगा।